अस्सलामुअलैकुम भाई जान, कैसे हो? सब ठीक हो? अच्छा, ये वीडियो आज बनाई है कुछ इस हवाले से मैंने कि मतलब कारोबार, बाज़ बंदे कहते हैं हमारे कारोबार डाउन है, मतलब ये एक आइडिया अपना शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह आप ट्राई करो इससे, मतलब अपने कारोबार के लिए बंदा बहुत कुर्बानियाँ देता है, कभी क्या करता है कभी क्या करता है। ये मैं एक आइडिया, अपना आइडिया जो है ना शेयर कर रहा हूँ, जिसके साथ भी शेयर किया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका कारोबार जो है ना वो कामयाब हो गया है। इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर कर रहा हूँ कि जिससे मतलब जो होलसेल वाले भी है और जो रिटेल वाले भी है। पहले मैं होलसेलर वालों को ये आइडिया देता हूँ, ये उसके लिए, रिटेल वालों के लिए भी थोड़ा बहुत सेम सेम आइडिया है। सही है, तो वीडियो लाजमी फुल दे के ताकि होलसेलर वाला अपना मतलब जो अचीवमेंट है उसको वो मिले, रिटेल वाले को मतलब जो एंड में मैंने बताया है वो रिटेल वालों के लिए, तो रिटेल वाला भी मतलब अपने हिस्से की वीडियो देख लें। सही है, तो ये जितने भी होलसेलर है ना, सबसे पहले काम उसने ये करना है, मतलब वो अपना कारोबार के लिए कितना कुछ करता है ना, उसने ये करना है कि अपने दुकान में एक दो तीन आइटम ऐसे रखने हैं जिसमें उसमें प्रॉफिट नहीं करनी है, ये उसने अपने दुकान की कामयाबी के लिए करनी है। मतलब एक आइटम अगर वो मार्केट से कहीं से उठा ले 130 रुपये की, तो वो कोशिश करे वो 135 रुपये की या 140 रुपये के बेचे, वो उसमें प्रॉफिट का ना सोचे, वो उसमें ये सोचे कि इससे मेरे कस्टमर बनेंगे, इससे मेरा रोज़गार बढ़ेगा। सही है, आप ट्राई कर ले, ये दो तीन आइटम ऐसे रखो अपने दुकान पे जिसमें आपने प्रॉफिट नहीं रखनी, मतलब उसमें प्रॉफिट आपने अपने हिस्से का कस्टमर को फ़ायदा देना है। अगर आप ये आइटम उसको मतलब मार्केट कहीं से भी, लेकिन कोशिश इसमें ये भी करनी है कि आप कहीं से भी कोई भी मतलब ऐसा आइटम ले कि आपको खुद लगे कि ये आइटम मुझे बहुत सस्ती मिली है। सही है, और फिर आप उसमें ना कमाए वो कस्टमर को दे दें। मतलब एक आइटम आपने चलो 130 रुपये का उठाया, कहीं से ऐसा देखा कि यार ये आइटम बहुत सस्ता मिल रहा है, इसमें खास कमाई है, उसी आइटम में आप कमाई ना रखें। सही है, दो तीन आइटम ऐसे दुकान में रखे, उसको ढूंढे कहीं से भी, मतलब ऐसे आइटम होते हैं मार्केट में कि आपको लगता है कि इसमें ये मुझे सस्ता मिला है, उसमें मुझे प्रॉफिट भी अच्छी मिलती, तो कोशिश करें कि दो तीन चार आइटम ऐसे लेके आए ना कि उस आइटम में आपने बस मजदूरी नहीं करनी, वो आइटम आपने अपने कस्टमर के लिए रखना है। सही है, अपने सब कस्टमरों को वो आइटम फिर प्रोवाइड भी करनी है। कोशिश करें इस पे थोड़ा ध्यान दे, जो जो कस्टमर है वो आइटम है ना, जो कस्टमर आपको नया है या आपके सारे पुराने कस्टमर जो है सबको वो आइटम दे दो, उसमें कमाई नहीं करो, उसकी वजह से वो आगे से सेल करेगा ना वो आइटम, उसको अच्छी कमाई आएगी। जो रिटेल वाले होते हैं वो सेल करेगा, उसको अच्छी कमाई आएगी, तो वो खुश होएगा। सही है, वो आएगा आपके दुकान के पीछे फिर, सही है, उसी आइटम के पीछे आएगा, उसके साथ वो और कुछ भी उठाएगा, तो इसमें उसको फ़ायदा हो, बाकी में जितने आइटम है ना आपके सेल हो रहे वो उसको, आप उसको फ़ायदा दोगे उससे आप फ़ायदा भी लोगे। सही है, और आइटम उस पर सेल करें, उसमें प्रॉफिट रखे, लेकिन ये दो तीन आइटम है जो है ना इसमें आपने आइटम मतलब इसमें मजदूरी नहीं रख करनी है आपने। अच्छा, दूसरी बात, कस्टमर की सबसे पहली सोच होती है कि मैं ख़रीदारी करूं, बस एक दुकानदार से करूं, सारा माल इकट्ठा करूं, जल्दी पारे होके जाऊं। सही है, तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि इसने तो खाली बस यही आइटम एक दो पैकेट ले लिया और कुछ नहीं लिया, उसमें आप फिर भी 5 रुपये रखो 10 रुपये रखो, लेकिन उसमें प्रॉफिट का ना सोचो। सही है, ये ना सोचो कि इसने खाली बस ये वाला आइटम उठाया और ये अगली विज़िट पे आएगा, इसके बाद आएगा, उसके बाद उसके, फिर सोच रखो ये कि ये मैंने अपनाना है ये कस्टमर। सही है, किसी तरीके से। सही है, और वो यही तरीका है कि आप उसको एक दो तीन चार आइटम ऐसे दुकान में रखो कि उसमें आपने बस वो प्रॉफिट ऐसी रखनी है 5 रुपये या 10 रुपये, ज़्यादा नहीं रखनी, और हो सके तो उसमें रखनी भी नहीं है बिल्कुल। सही है, ये आपकी दुकान की कामयाबी। आप ट्राई करो इस तरह तकरीबन एक दो महीना, फिर देखो अपने कारोबार का, आपके इतने कस्टमर बन जाएंगे। सही है, इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये अपना पॉलिसी में लेके आओ, जो दुकान की पॉलिसी होती है ना उसमें लेके आओ। सही है, आप ये ट्राई करो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप। अच्छा, दूसरी बात जो ज़रूरी है होलसेल, कोशिश करो अपने इस आइटम को इंट्रोड्यूस करो,
लोगों तक पहुंचा दो कि मेरे पास ऐसा आइटम है और ऐसा ऐसा है। तो इसके अलावा आप जो आइटम बाकी रखोगे ना दुकान पे, वो भी सेल होगे इनकी वजह से, उसका आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे। सही है, इंशाल्लाह आप ये ट्राई कर ले एक दो महीने, फिर रिज़ल्ट देख ले। सही है, कोशिश कर ले जब भी सीज़न हो उसमें तो ये लाजमी रखनी है, क्योंकि उसमें बहुत कस्टमर आते हैं, आउट से भी आते हैं। तो कस्टमर को पता चले कि यहाँ फला चीज़ इधर सस्ती मिलती है या ऐसी कोई चीज़ इधर है जो उसमें मुझे फ़ायदा है, क्योंकि कस्टमर फ़ायदे के लिए जाते हैं जिधर भी जाते हैं। अच्छा, अब ये रिटेल वालों की तरफ मैं आता हूँ। रिटेल वाले, ये जितने भी रिटेल वाले शॉपकीपर हैं ना, उसकी आइडिया भी तकरीबन सेम सेम है। आपने ऐसा करना है कि एक स्टैंड रखना है, एक स्टैंड रखना है, उसमें आपने कोशिश करो जिस तरह मैंने ये होलसेलरों को बताया, आप होलसेलरों वाले के पीछे जाओ, उससे कोई मतलब आइटम किसी तरीके से भी, मतलब वो जो आपको पता चले कि यार इसमें मुझे मजदूरी जो है ना बहुत मजदूरी मिलेगी इसमें, आप कोशिश करो उस स्टैंड में वो आइटम डालो। मतलब आपको एक आइटम मिली 130 रुपये की, 130 रुपये के, तो आप कोशिश करो 150 रुपये वाले में डाल दो। सही, बस उस पहले को 150 रुपये सेल। तो अगर आपको एक आइटम 150 रुपये पे भी मिलती है, मतलब मार्केट से आप एक आइटम उठाते हो 150 रुपये की, एक उठाते हो 140 की, एक 130 की, ये सारे इसमें डाल दो, या 145 का उठाया ये 150, उसमें आपने भी कमाई नहीं करनी। ये जो दुकान के सामने स्टैंड रखो, या दुकान में कोई ऐसा जगह बनाओ उस पर लिखो सेल आइटम। सही है, तो मार्केट से लेके आओ 150 रुपये की, इधर बेचो 150 रुपये की। अभी आपके दुकान में जितने बाकी चीज़ें हैं ना, ये कस्टमर जब आएगा बाहर से और उसको पता चलेगा कि ये 150 रुपये का आइटम इसके साथ है और ये बहुत सस्ता है, तो आपके दुकान में इधर उधर देखेगा भी और आइटम वगैरह भी देखेगा। सही है, तो इस आइटम की वजह से वो आपसे और ख़रीदारी भी करेगा। चलो इसमें आपने 5 रुपये कमाए, 10 रुपये कमाए रिटेल वाले ने, बाकी अगर वो आपसे दुकान के आइटम बाकी कुछ उठाएगा ना, तो मतलब आपके भी इस तरह से कस्टमर भी ज़्यादा बनेंगे। सही है, और वो ये जो कस्टमर बाहर से आएंगे ना, ये जो आपने चीज़ रखी है 150 रुपये वाली, ये कस्टमर को खींचता है अपनी तरफ। सही है, तो आप कोशिश करो। और दूसरी बात, ये कोशिश करो छोटा सा स्पीकर ये स्टैंड के साथ लगाओ 150 रुपये सेल की, कि वो आपके जो आइटम है ना इसको मशहूर करे, मतलब इंट्रोड्यूस करे इसको बंदों के सामने कि ये इसके साथ ऐसी चीज़ है। अभी मेरे मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदा जा रहा है मेरे दुकान के सामने, तो उसको तो अंदर पता नहीं चलता कि इसके साथ 150 रुपये के, तो कोशिश करो ये 150 रुपये की वो ये आइटम नहीं 150 रुपये वाला, इसके साथ ये छोटा सा स्पीकर लगाओ, या ऐसा करो कि किसी तरीके से बंदों को पता चले कि ये आइटम 150 रुपये के, कोई बच्चा आवाज़ दे के सेल सेल सेल, या ऐसा कोई बस सेल का आवाज़ दे के आपके दुकान में ऐसी कोई चीज़ है कि सबको पता चले, आपके मतलब जो करीब वाले कस्टमर वगैरह है ना जो आते हैं उसके सबको पता चले कि यार ये 150 रुपये की। अभी मैं आपको इसकी मिसाल दे रहा हूँ कि चलो एक बंदा ऐसा है, उसने होलसेल में 150 रुपये एक आइटम उठाया, अभी रिटेल में भी वो 150 रुपये का बेच रहा है, तो सोचो वो कितना सस्ता, वो रिटेल वाले आम कस्टमर नहीं है, उसको कैसा लगेगा कि ये मुझे कितना सस्ता दे रहा है। सही है, तो लाजमी सी बात है इसमें अट्रैक्शन है, तो इस आइटम को मतलब ये रिटेल वाले रोशनी समझे अपनी दुकान के लिए। सही है, तो कोशिश करे ऐसा कोई आइटम मार्केट से उठा लिया करे 150 रुपये वाला, तो 150 रुपये में भेजे। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि रिटेल वाले कोई कुछ आइटम इकट्ठा करके ना, जो 150 रुपये में वो ख़रीदता है, 160 रुपये में वो ख़रीदता है, 140 रुपये में ख़रीदता है, 145 रुपये में ख़रीदता है, 155 रुपये, वो सारे एक बस इसी स्टॉल में डालो। सही है, और इस पे लिखो $1, या तो उस पे लिखो $1 या सेल सेल 160 रुपये, मतलब उसमें महंगा चीज़ 160 रुपये का आपने ख़रीदा है तो 160 रुपये, उससे बस ज़्यादा रेट नहीं करनी। कोशिश करें 155 वाला भी रिटेल वाला 160 पे भेजे, उसमें 5 और 10 रुपये कमाओ। इसमें एक दूसरी बात भी है रिटेल वालों के लिए और इस ये होलसेलर वालों के लिए भी है कि बंदा अगर कहीं से लोन उठाता है, माल उधार पे लेके आता है ना, तो ये आइटम आपका सेल होएगा, आप कम से कम ये जो उधार के पैसे हैं ना, वो जो वसूली के लिए बंदे आ जाते हैं बंदे के पास हफ्ते बाद, एक दिन बाद, दो दिन बाद, तो आप उसको ये आइटम मतलब 150 का लाए, 150 का सेल किया। सही है, इसमें मजदूरी नहीं रखी, तो इतना तो हुआ ना, आपने कुछ सेल किया, वो जो आपने जिससे उधार उठाया है ना उसको आप वो पैसा दोगे।
सही है। तो इसमें इंशाल्लाह ये रिटेल वालों के लिए कामयाबी का राज है कि वो अब अपने दुकान में ऐसा कोई आइटम लेके आए कि मतलब वो कस्टमर को वो आइटम सस्ता दे, सही है, ताकि कस्टमर को पता चले कि इस दुकान में ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे सस्ती मिलती है, या ये दुकान वाला जो है ना इसके साथ सस्ती चीज़ मिलती है। ये अपनी दुकान की कामयाबी के लिए रखो, सही है। ये होल सेलर वाले भी ऐसे करो, रिटेल वाले भी ऐसे करो। अच्छा, इसके बाद मैं एक वीडियो शेयर करूँगा, सही है, वो ये उधार के मतलब ये लोन के हवाले से है, सही है। बंदे के हालात कमज़ोर, मतलब वो बहुत ज़्यादा शॉपकीपर होते हैं उसके पास, ऐसे बहुत बंदे हैं मुझे कॉल वगैरह करते हैं कि यार पैसा हमारे पास पैसे नहीं है कारोबार चलाने के लिए। तो आपको मैं इंशाल्लाह एक आइडिया दूंगा, आप ट्राई करें। मैंने भी ऐसे एक बंदे से सुना है, सही है, और फिर पता भी चला है कि यार सही है। तो कोशिश करूँगा आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगा, आप वो देख लें, इंशाल्लाह आपको उसमें भी फ़ायदा होगा। ये भी इंशाल्लाह ट्राई करें, एक दो महीना दें इस सिस्टम को, इंशाल्लाह आप होलसेलरों को भी रिटेल वाले को भी बहुत कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है। बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।